दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में मैं डॉक्टर अमोल आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे परीक्षा के बारे में जानकारी देने वाला जो कि महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे शिक्षक बनने के लिए बेसब्री से उस परीक्षा का इंतजार करते हैं, उस महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में जानकारी देने वाला। गुड न्यूज इस प्रकार की है कि महाराष्ट्र TET परीक्षा की जो डेट्स है वो डिक्लेयर हो चुकी है। अगर आप उस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले तो महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया गया है, और इस परीक्षा में अगर विषय देखा जाए तो महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 आयोजन संदर्भ मुफ्त प्रसिद्धि देने वाला। मतलब जल्द ही आपको कल या परसों आपको इस ये जो नोटिस है वो आपको वेबसाइट पर दिखाई देगी, उसमें महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में जानकारी दी गई। और इस परीक्षा का जो आयोजन है वो 10 नवंबर को 2024 को, मतलब 10 नवंबर 2024 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी से ही पढ़ रहा है ईश्वर के बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो इसमें क्या क्या रूल्स दिए गए और किस तरह से। तो महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी महाTET 2021 इस परीक्षा को लेने की जिम्मेदारी जो है वो महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद पुणे इनके ऊपर दी गई है। और ये जो परीक्षा है फिर से मैं बताता हूँ कि 10 नवंबर को होने वाली है। तो मैं महाराष्ट्र के सभी प्रकार के बच्चों को इस परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ ये जो परीक्षा होने वाली दो भागों में होने वाली, पहली से लेकर पांचवी कक्षा के लिए और छठी कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के सर्व जो भी परीक्षा मंडल है या अनुदानित विना अनुदानित कायम विनादानित जितनी भी स्कूल्स हैं उन सबके लिए शिक्षक बनने के लिए ये परीक्षा देने के लिए अनिवार्य समझा गया है। इसलिए आप इस परीक्षा की जानकारी लीजिए और उससे संदर्भ में जो भी अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप mahaTET.in इस संकेतस्थल पर आपको इस जगह पर दिखाई देगी। इस mahaTET परीक्षा के फॉर्म कैसे बने उसके बारे में जल्दी वीडियो आपको भेजने वाला, लेकिन उसके पहले मतलब एप्लीकेशंस करने के पहले शुल्क कितना है, परीक्षा का टाइम कितना है, इन सब के बारे में आपको ऑनलाइन जानकारी दी जाएगी। और अगर देखा जाए तो किस तरह से एग्जामिनेशंस का मतलब पैटर्न होने वाला है या किस तरह से एग्जामिनेशन स्टेप बाय स्टेप होने वाले, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डेट्स नोट की कर लीजिए। आज से लेकर मतलब 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपको आप जाकर ऑनलाइन आरजी भर सकते हैं। ध्यान रखिए ऑनलाइन आरजी ही आपको भरना है, ऑफलाइन आरजी का स्वीकृति नहीं की जाएगी, आपको ऑफलाइन आरजी भरने के लिए पूरी तरह से पाबंदी। इसके बाद आपको प्रवेश पत्र जो है वो 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक आप कभी भी प्रवेश पत्र जो है वो ऑनलाइन प्रिंट निकाल सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो पहली स्टेज है उसकी जो डेट है वो 10 तारीख को ही परीक्षा होने वाली है, और उसका टाइम है 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक। हालांकि इस एग्जामिनेशन के लिए दोनों भी प्रकार के लिए आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। और शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर सेकंड जो है वो होने वाला है 2 बजे से लेकर साढ़े चार बजे तक होने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें आपको अपने नोट डाउन की होगी, और उससे भी अगर और ज़्यादा जो है मैंने पहले ही बताया था कि आपको ध्यान से आर्ज भरते समय आपकी पूरी शैक्षणिक जानकारी आपको अच्छे से भरनी है, ईमेल आईडी, एसएमएस, ये सभी चीज़ें, और जो भी आप किस परीक्षा स्तर के लिए मतलब प्राथमिक स्तर के लिए या उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कौन से स्तर के लिए आप अर्जी कर रहे हैं विकल्प जो है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से सुझाव पूर्वक ध्यानपूर्वक सोचना है। और उसकी मतलब जिनमें मतलब उस जो भी विकल्प आप सर्च करेंगे उसके ऊपर क्लिक करना है और उसका चयन करना है। ध्यान में रखिए मैंने पहले बोला ऑनलाइन ही अर्जी करनी है, और आपका पेमेंट जो है वो किसी भी प्रकार से ऑफलाइन स्वीकृति नहीं की जाएगी, आपको पूरा जो पेमेंट जो है वो ऑनलाइन पद्धति से ही भरना पड़ेगा, जिसमें क्रेडिट कार्ड है, बैंक डेबिट कार्ड है, ऑनलाइन आप भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भरने के अलावा भी अगर आपने परीक्षा शुल्क नहीं भरा तो आपकी अर्जी स्वीकृत नहीं की जाएगी। और मूल प्रमाण पत्र जो भी आप भर रहे मतलब आपके जो भी प्रमाण पत्र है उसकी भी जानकारी उचित देने के बाद ही आपको एग्जामिनेशन के लिए बैठा दिया जाएगा। अगर आप में कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है तो आप इस परीक्षा से बेदखल किए जा सकते हो। एक से ज़्यादा भी आवेदन पत्र आपको भरने के लिए मतलब या आपके आवेदन पत्र ग्राह्य पकड़े
नहीं जाएगी। और अगर इस परीक्षा में अगर कुछ गैर व्यवहार हो जाता है तो उसकी लिस्ट जो है, या कोई ऐसा गैर व्यवहार किया हुआ बच्चा अगर इस परीक्षा को बैठ जाता है तो उसकी जो लिंक है वो MSCEPune.in के ऊपर 2018-19 में जब TET लिए थे तब उसमें जो गैर प्रकार जो भी किए थे उनकी लिस्ट दी गई। तो इस तरह से नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप कभी भी हेल्पलाइन को कॉल करके आप जानकारी पूछ सकते हैं। दूरध्वनि से भी आप संपर्क कर सकते हैं जो कि 10 बजे से लेकर सायं के 6 बजे तक आप कर सकते हैं। और सविस्तर जानकारी के लिए आपको MHA.TET.IN इस परीक्षा के वेबसाइट को आपको हमेशा देखते रहना है ताकि आप जल्द से जल्द उस सभी प्रकार के अपडेट्स लेते रहें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब लेक्चर जो है वो या उस TET के बारे में जानकारी आपको अच्छी तरह से मिली होगी। मेरी ओर से बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं, और जल्द ही मैं आपको ऑनलाइन परीक्षा किस तरह से फेस करनी है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ अर्जी कैसे करनी है, ऑनलाइन अर्ज TET का कैसे भरना है इसके बारे में भी मैं जानकारी देने वाला। धन्यवाद।